नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश साहू हमारे YouTube चैनल एक्सलेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डाइस के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 22 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम 22 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो कृपया अगर आप पहले उनको देख लीजिए तो आपको ये जो लेक्चर है और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर क्या है, नीचे एक ही पासा के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है, तो इनमें अंक चार के विपरीत पर कौन सा अंक आएगा, मतलब जो चार के विपरीत फेज है इस पर कौन सा अंक आएगा, आपको ये बताना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि पहले हम शुरू की दो डाइस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कोई कॉमन अंक है क्या, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी 3 और 5 है और यहाँ पर भी 3 और 5 है। मतलब मैंने कल आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में कि यदि दो डाइस में उनकी कोई दो फेजेस में यदि कॉमन अंक होता है तो जो तीसरी फेजेस में जो अंक होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर 4 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि 4 के अपोजिट में कौन होगा, तो 1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक ही पासा के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है, यदि इन पासा के ऊपरी फलक पर अंक 6 ले आया जाए तो निचले फलक पर कौन सा अंक आएगा, आपको ये बताना है इसमें। तो 6 के अपोजिट आपको बताना है। तो सबसे पहले हम शुरू की दो डाइस को देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो शुरू की जो दो डाइस है इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, मतलब यहाँ पर शुरू की जो दो डाइस है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये पहली डाइस को लेंगे और हम क्या करेंगे इसमें तीसरे नंबर की डाइस को इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो दोनों डाइस में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3 और 2 और 3 और 2 कॉमन है, मतलब यहाँ पर दो फेजेस के जो अंक है वो कॉमन है। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक ही पासा के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासा में अंक 4 के सामने आने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा, आपको ये बताना है। तो ये डाइस है, हमको इसमें 4 के अपोजिट बताना है कि कौन सा अंक होगा। तो हम लास्ट की दो डाइस को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि यदि ये डाइस स्टैंडर्ड होता तो हम 4 के अपोजिट डायरेक्टली 3 बता देते, क्योंकि स्टैंडर्ड में दोनों जो फेजेस होती है अपोजिट उनके जो डिजिट होते हैं उनका जो सम होता है वो 7 होता है। तो यहाँ पर लास्ट की जो 2 डाइस दिख रही है इसमें आपको एक 4 कॉमन अंक दिख रहा होगा दोनों में। तो हम क्या करेंगे, इस डाइस को 4 से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 4 से तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ 5 पर, यहाँ पर आप देख सकते हो, और 5 से हम लोग पहुंच जाएंगे 6 पर। सिमिलर यहाँ पर 4 से हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, 3 पर, और 3 से कहाँ पहुंच जाएंगे, 2। इसका मतलब ये है कि 6 के अपोजिट 2 होगा, 3 के अपोजिट 5 होगा, तो 4 के अपोजिट आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको और भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप दूसरे और तीसरे नंबर की डाइस देखो, इसमें 5 और 6 है, इसमें भी 5 और 6 है, मतलब यहाँ पर 4 के अपोजिट यहाँ पर कौन मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नीचे एक ही पासा के दो प्रारूप को दर्शाया गया है जिनके फलकों पर 1 से 6 तक के बिंदु क्या है अंकित है, यदि पासा के निचले फलक पर 3 बिंदु हो तो ऊपरी फलक पर क्या होगा, आपको ये बताना होगा। तो देखो यहाँ पर 3 के एडजेसेंट में हम देखें, 3 के एडजेसेंट में कौन कौन से डिजिट आ गए, आप सबसे पहले ये देखिए, 3 के एडजेसेंट में यहाँ पर 6 है और 2 है, यहाँ पर आप चलिए तो 6 है, 4 है, ठीक है। 3 के एडजेसेंट में कौन है, 6 है और 4, यहाँ पर 4 लिख लीजिए आप, मतलब ये जो 3 डिजिट है 6 2 4 ये तो कभी इसके अपोजिट में नहीं हो सकते। तो अब हमको दिखाई क्या नहीं दे रहा है, यहाँ पर 1 नहीं दे रहा है और 5 हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो ये दोनों क्या होंगे, इसके अपोजिट होंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो डाइस है ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, और यदि हम इन दोनों को टोटल कर देते तो हमको 7 मिलेगा। तो इसके अपोजिट में आपको 1 मिलेगा या तो 5 मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे एक समानांतर षटफलक के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, यदि ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 हो तो इसके नीचे
निचले फलक पर बिंदु की संख्या कितनी होगी आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको पहचान करना होगा कि दिया गया जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5+2 मतलब 7 हो गया है, 7 है मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों में कोई एक कॉमन फेस देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में एक कॉमन फेस हमको दिख रही है जो कि 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 से इस डाइस को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो 2 से हम लोग जब 1 में जाएंगे यहाँ पर, उसके बाद 1 से हम कहाँ चले जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, जब पहली डाइस को रोटेट करेंगे तो 5 में चले जाएंगे। सिमिलर सेकंड वाली डाइस को रोटेट करिए, तो 2 के बाद हम लोग यहाँ पर 6 पर आ जाएंगे, और 6 के बाद हम कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर 3 पर आ जाएंगे। तो हमसे पूछा गया था 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 3 के अपोजिट में क्या आपका 5 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक ही पांसा के दो प्रारूपों का दर्शाया गया है, जब 4 गोले नीचे की ओर हो होंगे तो ऊपर की फलक पर कितने गोले होंगे आपको ये बताना है। तो सबसे पहले पहचान करिए दिया गया डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। देखो यहाँ पर 2 और 1 को हम यदि ऐड कर देते तो हमको 3 मिलेगा, 1 और 4 को हम ऐड करेंगे तो हमको 5 मिलेगा, 4 और 2 को हम ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, मतलब ये वाला तो स्टैंडर्ड है। सेकंड में चलते हैं, 5 और 3 8 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा, मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस डाइस है। तो हम यदि ये डाइस स्टैंडर्ड है तो हम डायरेक्ट बता देंगे 4 के अपोजिट में क्या होगा, 3। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में जो विपरीत मतलब अपोजिट फेजेस होते हैं उनके जो अंक होते हैं उनका जो सम होता है वो 7 आता है। यदि एक पर 4 है तो दूसरे पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक ही पांसा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यदि इसके निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 1 हो तो ऊपरी फलक पर क्या होना है आपको ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहचान करेंगे दिया गया जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनके फेजेस के जो अंक है इनको आपको ऐड करना है। तो 3 और 5 ऐड हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 3 और 4 7, मतलब ये जो है नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस जब भी हमारे पास हो तो हमको दोनों में देखना कि कोई एक कॉमन फेज है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में एक कॉमन फेज है जो कि 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डाइस को 3 से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो 3 से हम क्या करेंगे, पहले डाइस में 3 से कहाँ चले जाएंगे हम, इसको जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 3 से हम लोग पहुंच जाएंगे 5 में, और 5 से कहाँ चले जाएंगे हम लोग, 4। सिमिलर सेकेंड डाइस में चलिए, 3 से हम लोग चले जाएंगे 6 पर, और 6 से हम कहाँ जाएंगे, 2 पर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि 1 के अपोजिट में क्या होगा। तो यहां पर आपको कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा है, 1, मतलब जो 1 है वो जो कॉमन है दोनों में उसके अपोजिट होगा, मतलब 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा यहां पर, 1। तो 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा यहां पर, 3। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक ही ब्लॉक के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, यदि निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 6 हो तो ऊपर के फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी आपको इसमें यह बताना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पहचान करनी है आपको, यदि डाइस नॉन स्टैंडर्ड है तो आपको फिर दोनों में एक कॉमन देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3, मतलब 7 यहाँ पर फेजेस के अंकों का सम आ रहा है। इसका मतलब ये जो डाइस है ये क्या है, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होने की कंडीशन में अब आपको क्या करना है, दोनों में कॉमन फेज को ढूंढना है। तो दोनों में कॉमन फेज जो है वो 6 है। अब 6 से हमको क्या करना है, इस डाइस को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो 6 से जब हम चलेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 2, और 2 से जब हम चलेंगे तो हमको मिल जाएगा 1। पहले वाले डाइस में जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 से 2 में जाएंगे और 2 से 1 में चले जाएंगे। सिमिलर यहाँ पर 6 से हम लोग चले जाएंगे 4 पर, और 4 से हम लोग चले जाएंगे 3 पर। तो आपसे पूछा गया था 6 के अपोजिट में, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है, 5 दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब 6 के अपोजिट में कौन होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा जो कि 5 है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक ही पांसा के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, जब बिंदुओं की संख्या 3 निचले फलक पर हो तो ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी आपको ये बताना है। तो सबसे पहले पहचान करिए दिया गया जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है अथवा नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो यहां पर देखो 4 और 6 10 हो जाएगा, 4 और 3 7, मतलब ये जो है नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होने की कंडीशन में अब हमको क्या करना है, दोनों में कॉमन फेज देखना है। तो दोनों में कॉमन फेज आपको दिख रही होगी, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों डाइस को एंटी क्लॉकवाइज 3 से रोटेट करेंगे। तो यहां पर 3 है तो 3 के बाद यहां पर देखो एंटी क्लॉकवाइज चलना है हमको, तो 4 मिल जाएगा आपको, 4 के बाद आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। सिमिलर सेकेंड वाली डाइस में 3 के बाद हमको यहां पर मिलेगा 5, और 5 के बाद हमको यहां पर मिल जाएगा
टू, हमसे पूछा गया था थ्री के अपोजिट में, तो आपको यहां पर कौन सा डिजिट दिखाई नहीं दे रहा है, वन, ठीक है, मतलब जो दोनों में कॉमन होता है वो जो दिखाई नहीं देगा उसके अपोजिट में होगा, ठीक है, तो थ्री के अपोजिट में कौन हो जाएगा, यहां पर वन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहां पर करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे एक ही ब्लॉक के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, ठीक है, जब ऊपरी फलक पर बिंदु की संख्या एक हो तो निचले फलक पर बिंदु की संख्या कितनी होगी, आपको ये बताना है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पहचान करनी है, तो पहचान करने पर हमने यहाँ देखा कि यहाँ टू है, यहाँ फाइव है, मतलब ये नॉन स्टैंडर्डाइज है, तो नॉन स्टैंडर्डाइज है इसका मतलब ये है कि अब हमको दोनों में कॉमन फेज को ढूंढना है, तो कॉमन फेज दोनों में टू है, तो अब हम क्या करेंगे, टू से इस डाइस को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो टू से जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमको मिलेगा वन, वन से जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर फाइव। सिमिलर नेक्स्ट वाली जो डाइस है इसमें भी टू के एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, आप देख सकते हो टू के एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पर सिक्स है और सिक्स के एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पर क्या है, थ्री है। हमसे पूछा गया था वन के अपोजिट में क्या होगा, तो वन के अपोजिट में यहाँ पर आप देख सकते हो सिक्स मिलेगा हमको, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, ठीक है, जब निचले फलक पर बिंदु की संख्या दो हो तो ऊपरी फलक पर बिंदु की संख्या कितनी होगी, आपको ये बताना है, ठीक है, क्या बोला गया है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नीचे एक ही पासा के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, जब निचले फलक पर बिंदु की संख्या दो हो तो ऊपरी फलक पर क्या होगा, मतलब टू के अपोजिट हमको बताना है, तो सबसे पहले तो पहचान करनी है आपको, तो पहचान करने पर आप देख सकते हो यहाँ पर पहला वाला जो डाइस है ये तो स्टैंडर्ड है, सेकंड वाले में चलते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे टू और फोर सिक्स, फोर और वन फाइव, फाइव और सॉरी वन और टू जो होंगे यहाँ पर थ्री, मतलब दोनों जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड की कंडीशन में हम क्या करेंगे, टू के डायरेक्टली अपोजिट हम बता सकते हैं, टू के डायरेक्टली अपोजिट होगा फाइव, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में जो विपरीत या अपोजिट फेजेस होती है उनके जो अंकों का जो योग होता है या सम होता है वो सेवन के इक्वल होना चाहिए, यदि एक फेज पर हमको टू लिखा हुआ है मिला है तो सेकेंड वाली फेज में ऑटोमेटिकली फाइव लिखा होगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ब्लॉक घनाकार ब्लॉक के दो विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं का बिंदुओं की संख्या का योग सात हो तो नीचे गए प्रारूप में कौन सा प्रारूप सही है, तो देखो हमको यहाँ पर चार प्रकार की डाइस दी गई है, तो चार प्रकार की डाइस में हम ये देखेंगे सबसे पहले कि इसमें स्टैंडर्ड डाइस कौन सी है, तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, जो अपोजिट विपरीत जो फलक होते हैं उनके अंकों का जो योग होता है वो सेवन होता है, तो स्टैंडर्ड डाइस पहचान करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जो दिखाई देने वाली तीनों फेजेस है उनमें से किन्हीं भी दो फेजेस के अंकों का जो योग है वो सेवन नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम पहली वाली डाइस में चलते हैं, तो फोर और फाइव नाइन होगा, फाइव और टू कितना हो जाएगा सेवन, मतलब ये वाला तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। सेकंड वाली डाइस में चलते हैं, फोर और फाइव नाइन हो जाएगा, फाइव और थ्री क्या हो जाएगा एट, और फोर और थ्री कितना हो जाएगा सेवन, मतलब ये भी नॉन स्टैंडर्ड है। बढ़ते अगले की ओर, तो अगला फोर और फाइव कितना हो जाएगा यहाँ पर नाइन, ठीक है, और फाइव और वन सिक्स, वन और फोर फाइव, तो मतलब ये वाला यहाँ पर स्टैंडर्ड आइस है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, यदि किसी घनाकार ब्लॉक के दो विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं का की संख्या का योग सेवन हो तो नीचे दिए गए प्रारूपों में कौन सा प्रारूप सही है, आपको बताना है, तो हम फिर से वही करेंगे, हम चेक करेंगे कि दिखाई देने वाली फलकों में किन्हीं दो फेजेस के जो डिजिट है इनका जो सम है वो सेवन है अथवा नहीं है, तो यहाँ पर आप पहली वाला जो पहला वाला डाइस है इसमें देखिए फाइव और थ्री एट हो जा रहा है, थ्री और वन फोर, वन और फाइव सिक्स, मतलब पहला वाला यहाँ पर स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड वाला भी देख लीजिए आप, फाइव और टू यहाँ सेवन आ रहा है, मतलब ये तो नहीं हो सकता, नॉन स्टैंडर्ड है। थर्ड वाले में देखिए थ्री और फोर यहाँ पर भी सेवन आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट सिक्स और वन यहाँ पर भी सेवन आ रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासे के आरेख में अंकित बिंदुओं का अवलोकन करके यह ज्ञात कीजिए कि जिस फलक पर चार बिंदुओं की को अंकित किया गया है ठीक उसके विपरीत पर कितने बिंदु होंगे, आपको ये बताना है, तो फोर के अपोजिट हमको बताना है। यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि दोनों फेजेस जो है सॉरी जो दोनों डाइसेस है इन ये दोनों स्टैंडर्ड है अथवा जनरल है, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हम हमारे पास यहाँ पर कितने फाइव है, फाइव और टू सेवन, मतलब ये जो है नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, जनरल डाइस है, तो हम क्या करेंगे अब दोनों में कॉमन देखेंगे, तो कॉमन हमको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर भी फाइव है और यहाँ पर भी फाइव है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो दो फेजेस कॉमन है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर फाइव है, यहाँ पर भी फाइव है और यहाँ पर वन है, मतलब जो तीसरी फेजेस होगी वो
आपस में क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, मतलब फोर के अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे एक ही पांसा के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पांसा के निचले फलक पर जब बिंदुओं की संख्या तीन होगी तो इसके ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको पहचान करनी होगी दिया गया डाइस स्टैंडर्ड है अथवा नॉन स्टैंडर्ड है। तो ये जो डाइस है नॉन स्टैंडर्ड है, क्यों? क्योंकि सेकंड वाला जो डाइस है इसमें 4 + 3 7 आ रहा है, ठीक है। तो हमको अब क्या करना है, दोनों में कोई एक कॉमन फेस देखना है। तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, मतलब यहाँ पर दो फेजेस कॉमन है। तो जो तीसरी फेजेस होंगी वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, मतलब 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये वाली फेजेस के अपोजिट में होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है और 2 है, मतलब दो कॉमन फेजेस जब भी होती है तो दिखाई देने वाली तीसरी जो फेजेस होती है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होती है, मतलब यहाँ पर 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4th होगा। अगला जो क्वेश्चन है, नीचे एक ही पांसा के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पांसा के एक बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर बिंदु की संख्या कितनी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो शुरू की दो डाइस हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, तो शुरू की दो डाइस में आपको वन और टू कॉमन दिख रहा होगा, मतलब 3 के अपोजिट तो यहाँ पर हमको 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट को थर्ड के साथ लेना है। तो फर्स्ट को थर्ड के साथ आप जब ले रहे हो तो आपको यहाँ पर दोनों में कॉमन देखना है। तो फर्स्ट में क्या है, 3 है और यहाँ पर 2 है, मतलब यहाँ पर देखो फर्स्ट में भी 2 है और थर्ड में भी 2 है। तो अब क्या करना है, आपको दोनों डाइस को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट वाले को 2 से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 2 के बाद यहाँ पर देखो 3 आएगा और 3 के बाद यहाँ पर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलर यहाँ पर चलिए 2 के एंटी क्लॉक में कौन है, 5 है, और 5 के एंटी क्लॉक में क्या है, 6 है। तो आपसे पूछा गया था 1 के अपोजिट में क्या होगा, तो 1 के अपोजिट में हाँ आपको दिख रहा होगा 6 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक ही पांसा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, जब ऊपर के फलक पर बिंदु की संख्या 4 हो तो निचले फलक पर बिंदु की संख्या कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि दिया गया जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है अथवा नॉन स्टैंडर्ड है। तो ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर किन्हीं भी दो फेजेस के जो अंक है उनका जो सम है वो 7 नहीं आ रहा है। तो 4 के अपोजिट यहाँ पर सिंपली क्या बता देंगे हम लोग, 3 बता देंगे, ठीक है। तो 4 के अपोजिट में यहाँ पर हम लोग क्या बता देंगे, 3 बता देंगे। लास्ट क्वेश्चन है, नीचे एक ही पांसा के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पांसा के 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है स्टैंडर्ड है अथवा नॉन स्टैंडर्ड है। तो ये जो डाइस है नॉन स्टैंडर्ड है क्योंकि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, मतलब 7 इनके दो फेजेस का जो दो फेजेस है इनका सम आ रहा है। तो अब आपको ये देखना कि दोनों में कॉमन फेजेस कितनी है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब यहाँ पर दो कॉमन फेजेस है। तो यहाँ पर हमको 5 के अपोजिट में क्या मिल जाएगा, सिंपली 4 मिल जाएगा, ठीक है। 5 के अपोजिट में क्या होगा, यहाँ पर 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4th होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।